वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने अपने बाइक में K&N का फिल्टर लगाया था, तो मैंने उस फिल्टर को लगाने के बाद बाइक ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चला लिया है। तो आई थॉट कि इट्स टाइम टू मेक ए रिव्यू वीडियो ऑफ दैट फिल्टर। तो पहले क्या करते हैं, अभी जाते हैं पहले अपने बाइक को धुलाते हैं। बाइक बहुत ज़्यादा गंदा होकर रखा है क्योंकि दिल्ली NCR में कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो उसमें मैंने कीचड़ में बाइक चलाया तो बाइक थोड़ा बहुत गंदा होकर रखा है। तो अभी जा रहे हैं पहले बाइक वॉश कराते हैं। ऑलराइट गाइस, सो बाइक वॉश कंप्लीट हो चुका है। बाइक बहुत बेटर लग रही है अब देखने में। तो चलिए अब बात करते हैं K&N फिल्टर के बारे में जो मैंने अपने बाइक पे इंस्टॉल किया है। बाइक में K&N फिल्टर लगाने से पहले मैंने एक और परफॉर्मेंस अपग्रेड किया था। दैट इज़ नॉट एक्चुअली परफॉर्मेंस अपग्रेड, बेसिकली एक मॉड है, फ्यूलेक्स उसका नाम है। इट्स ए प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट यू कैन यूज इट ऑन योर बाइक। तो फ्यूलेक्स को आप अपने बाइक के ऑक्सीजन सेंसर या फिर लैम्डा सेंसर में लगाते हो। इट्स जस्ट ए प्लग एंड प्ले डिवाइस, उसके बाद ये अपने आप ही ट्यून कर लेता है। तो मैंने जो खरीदा है वो फ्यूलेक्स लाइट है। इसमें एक ही मॉड है जो कि डिफॉल्ट मॉड है। आप अगर फ्यूलेक्स प्रो खरीदोगे तो दैट विल हैव 10 डिफरेंट मॉड्स। फ्यूलेक्स लगाने के बाद जो बाइक का जर्किनेस था बिटवीन 2000 टू 3000 RPM वो बहुत हद तक खत्म हो गया था। स्टिल आई वॉज फेसिंग दिस स्टॉलिंग इशू, जैसे कि आप जैसे ही क्लच को लो RPM में खींचते हो बाइक पटाख से बंद हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे लगा कि क्यों ना ये K&N फिल्टर को यूज़ करके देखा जाए। सो आई इंस्टॉल्ड इट एज यू हैव सीन इन माय लास्ट ब्लॉग। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर चलाया है बाइक को। मैं सीरियसली बोलूँ तो उतना कुछ आपको टॉप एंड में डिफरेंस फील नहीं होगा, बट जो लोअर एंड का टॉर्क है, जो जर्किनेस है, वो और स्मूथ आउट हो गया है। ऐसा लग रहा है बाइक को बहुत अच्छे से हवा मिलती है और लोअर RPM भी। इवन इफ आई एम पुलिंग द क्लच द बाइक इज़ नॉट स्टॉलिंग, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। जनरली ये स्टॉलिंग थर्ड गियर में मोस्टली होता है, यू हैव टू स्टे इन थर्ड गियर व्हेन यू आर इन सिटी। अभी ये बहुत हद तक ठीक हो गया है। एंड सीरियसली बोलो, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे K&N फिल्टर के बारे में। बेसिकली K&N फिल्टर क्या करता है ना, एयर फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो लोअर एंड पे जो टॉर्क होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसके चक्कर में ना बहुत स्मूथ हो जाती है। और देखिए बाइक आराम से चल रही है 3000-2500 RPM पे विदाउट एनी जर्किनेस, आराम से चल रही है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इवन इन फिफ्थ गियर आई एम एट 2000 RPM एंड बाइक इज स्टिल वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। मेरा क्विक शिफ्टर, मेरा MTC सब कुछ ऑन है, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। K&N फिल्टर का एक और फ़ायदा ये है कि वॉशेबल है। आपका एक क्लीनिंग किट आता है इसके साथ, तो आप रीयूज़ कर सकते हो इसको। एक बार आप लाइक 5000 किलोमीटर के बाद यू शुड जस्ट ओपन द फिल्टर एंड क्लीन इट अप। और अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में रहते हो तो बीच बीच में 2000-3000 किलोमीटर बाद एक बार खोल के चेक कर लो कि कैसा कंडीशन है। सो K&N फिल्टर आपको ऑलमोस्ट 6500 के अराउंड मिल जाएगा, ऐसा इसका प्राइस होता है। तो ऑनलाइन ही परचेस किया था, बट आप ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हो, आजकल तो सब जगह ही मिल जाता है ये। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं अगली ब्लॉग जो बनाऊंगा वो होगा अबाउट दी अपग्रेड्स दैट आई हैव डन टू माई बाइक, क्या क्या एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल किया अभी तक। ऑलमोस्ट मैंने 80,000 रुपीज़ खर्चा किया है बाइक के ऊपर, बाइक के एक्सेसरीज के ऊपर। इफ यू गाइज हैव एंजॉयड द ब्लॉग, डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। चलो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।